जीएस हिंदी और जस्ट अनलर्न अनलर्न की ओर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज वोकैबलरी में डे टू की ओर हम चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि रूट वर्ड के थ्रू हम एक नहीं अनेक सारे वर्ड को कवर कर सकें, और उसी के लिए हमने ऐसा एग्जाम्पल चुना है जिससे कि आप एक नहीं एक साथ एक रूट वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड को कवर कर सके और याद रख सके। तो आइए आज का वर्ड देखते हैं। आज का वर्ड है लोकेशियस, जिसका मतलब ये होता है वेरी टॉकेटिव, अ गुड डील, अ वेरी गुड डील इन क्वांटिटी, बहुत बात करने वाला या बहुत बात करने वाली। अब आपके सामने जो पिक्चर है उस पिक्चर में बसंती फ्रॉम शोले है। अब बसंती शोले में जो कैरेक्टर है वो बहुत बोलती है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, इसलिए ये पिक्चर आपके सामने है ताकर कि ये जो वर्ड है लोकेशियस, इसको आप बसंती से रिलेट करके अपने दिमाग में बिठा सके और याद कर सके। लोकेशियस में जो रूट वर्ड है वो है लोक्योर। लोक्योर का मतलब होता है टू स्पीक। अब देखते हैं रूट रिलेटेड वर्ड। रूट रिलेटेड वर्ड में जो पहला वर्ड है वो है सोलिलोक्यू। अब देखते हैं सोलिलोक्यू क्या है। सोलिलोक्यू में दो रूट वर्ड हैं। पहला है सोलस। सोलस का मतलब होता है अलोन, अकेला। और लोक्यूर, लोक्यूर का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। अर्थात सोलिलोक्यू का मतलब हुआ स्पीच टू वन सेल्फ। और सामने आप फोटो देखते हैं। फोटो में अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन का वो फेमस सीन है जब वो आईने के सामने खड़े होकर के खुद से बात कर रहे होते हैं और अपनी चोट में आईने पे बैंडेज लगा रहे होते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सोलिलोक्यू का, स्पीच टू वन सेल्फ का। अब आइए दूसरे वर्ड पे चलते हैं जो कि है कॉलोक्वेल। कॉलोक्वेल में जो रूट वर्ड है वो को है। को का मतलब होता है व्हेन पीपल टुगेदर, जब लोग एक साथ होते हैं तो जो कन्वर्सेशन आप करते हैं वो कन्वर्सेशन हमेशा इनफॉर्मल या रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि जब भी आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बात नहीं कर रहे होते, आप कोई फॉर्मल चीज़ बात नहीं कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रहे होते हैं। और अगर आप फोटो के थ्रू याद रखना चाहते हैं, इसमें आप देखते हैं कि विराट कोहली ने एक माइक पहन रखा है, वो माइक चेक बोल रहे हैं, माइक चेक। और बाकी तो आपको BCMC का मतलब पता ही है, तो अगर आप BCMC बोल रहे हैं तो वो एक इनफॉर्मल और एवरीडे कन्वर्सेशन में आज यूज़ होता है। उसके लिए कॉलोक्वल के लिए आप विराट कोहली के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट वर्ड जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरकम लोक्यूशन। सरकम लोक्यूशन में जो रूट वर्ड है वो है सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। सरकम लोक्यूशन का मतलब होता है टॉकिंग अराउंड, इनडायरेक्ट। सामने फोटो में आपने देखा अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं मौसी के सामने शोले में, जब वो धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाते हैं और ये बोलते हैं कि मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी दारू पी लेता है, मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी जुआ खेल लेता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सरकम लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अब आते हैं मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट। इसमें है, इसका मतलब होता है यूज ऑफ हाई फ्लोन ग्रैंडियोस लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड, बढ़ा चढ़ा करके कही जाने वाली बात। इसमें मैग्नीलोक्वेंट में जो रूट वर्ड है वो है मैग्नस। मैग्नस का मतलब होता है लार्ज। और ग्रैंडीलोक्वेंट में जो रूट वर्ड है वो है ग्रैंडिस, जिसका मतलब होता है ग्रैंड, बहुत बड़ा। अब शोले का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर सूरमा भोपाली नाम का कैरेक्टर जो होता है, जब वो ये कहता है, जब उसने अमिताभ और धर्मेंद्र को जब वो अरेस्ट करवाता है उसके बाद वो एक कहानी सुनाता रहता है कि उसने कैसे अमिताभ और धर्मेंद्र को अरेस्ट करवाया था। और वो जब उनके उसके पीछे खड़े होते हैं तब वो सबको ये बोल रहा होता है कि अरे क्या करते रहते हो, दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, अरे जाओ भैया जाओ। ये उसका फेमस डायलॉग था, जिससे कि आप ये याद रख सकते हैं कि मैग्नीलो पॉइंट या ग्रैंडीलो पॉइंट में आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलते हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेंट्रिलोक्विज्म। वेंट्रिलोक्विज्म में जो रूट वर्ड है वो है वेंट्रिस। वेंट्रिस आपकी बेली, स्टमक और रिलेशनशिप टू द एब्डोमेन,
या आपके आगे की ओर जो बॉडी का पार्ट होता है आगे की ओर फ्रंट वाला पार्ट उससे रिलेटेड है। वेंट्रिलोक्विज्म आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम बेली ये वहां पे यूज होता है। जैसे कि आपने कठपुतली देखी होगी, कठपुतली खुद से नहीं बोल सकती लेकिन कठपुतली का मुंह चलता है और जो कठपुतली का मुंह चलाता है वो उसमें आवाज देता है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं, इस आवाज देने वाली कला को हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज्म, आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम बेली। नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट में जो प्रीफिक्स है एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट और एलोक्वेंट का मतलब है अ पर्सन हु स्पीक्स आउट और आर एक्सप्रेसिव। अब जैसा कि आप जानते हैं आपके सामने ये जो फोटो है, इस फोटो में अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन के बारे में एक फेमस कहानी ये है कि उन्होंने जो ब्लैक और वाइट का डिवाइड है उसको एबोलिश कराने के लिए पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी। और वो एक अच्छी स्पीच तभी दे सकते हैं जब वो बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे आप इस कहानी के थ्रू एलोक्वेंट को अब्राहम लिंकन से जोड़ करके ये याद रखें कि एलोक्वेंट का मतलब होता है पर्सन हु स्पीक्स आउट या जो एक्सप्रेसिव है, जो बोल सकता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को। तो इस प्रकार आज का दूसरा दिन खत्म होता है। जीएस हिंदी और जस्ट अनलर्न की ओर से धन्यवाद। थैंक यू।